तमाम विवादों के बाद पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने बीजेपी के टिकट पर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ा, वो जीत भी गए, लेकिन विवाद अभी भी अपनी जगह कायम है। आरोप यह है कि गौतम गंभीर के पास तो मतदाता पहचान पत्र है। इसी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की हारी हुई प्रत्याशी आतिशी ने FIR दर्ज कराई थी। पहले इस केस की शिकायत 30,000 कोर्ट में हुई थी, लेकिन अब गौतम गंभीर सांसद चुने जा चुके हैं तो उनका ये मामला MP MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। 20 जुलाई को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी होनी है। गंभीर के लिए मुसीबत यह है कि अगर वो इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 1 साल तक की सजा भी हो सकती है और सांसद की सदस्यता पर भी ग्रहण लग सकता है। आतिशी अपने पूरे चुनावी अभियान में ये बात भी करती रहती थी कि लोग अपना वोट गौतम गंभीर को देकर बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर वो सांसद बन भी गए तो अयोग्य करार दिए जाएंगे। आतिशी ने दावा किया था कि गंभीर ने जब नामांकन दाखिल किया तो उन्होंने राजेंद्र नगर का अपना पता दिया था, जबकि उनका एक मतदाता पहचान पत्र करोल बाग में भी है। आतिशी का दावा था कि गौतम गंभीर ने 2 मतदाता पहचान पत्र की बात छिपा ली, क्योंकि अगर वो इसका खुलासा कर देते तो उनका नामांकन उसी वक्त रद्द हो जाता। हालांकि गौतम गंभीर ऐसे आरोपों को नकारते आ रहे हैं। अब कोर्ट तय करेगा गंभीर झूठे हैं या फिर केजरीवाल की तरह उनकी साथी आतिशी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।